So, is my voice audible to everyone? Yeah, please be active and post each and every answer in the chat section. I'll give you time to open your mics at the end of the session to clear out all your doubts and all your queries. Okay. So our topic is gonna be like आप एक बेसिक, लेट्स से बिल्कुल बेसिक है, हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं. आई एम न्यू टू अ बिजनेस, जस्ट एज्यूम आई एम जस्ट न्यू टू अ बिजनेस. मेरा एक ड्रीम है कि मेरा जो कोई भी, लेट्स से मेकअप इंडस्ट्री में मेरे को इंटरेस्ट है, तो मैं कॉस्मेटिक्स में, तो हेयर बैंड, मैं हेयर बैंड्स का एक एग्जांपल लेते हैं. हेयर बैंड्स मेरे को बहुत अच्छे अच्छे बनाने आते हैं, ठीक है. मैं क्राफ्ट में बहुत अच्छी हूँ, बट लेट्स से मैंने 100 ऑफ डिज़ाइंस बना लिए, एक मेरे हाथ में प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में बहुत अच्छी करती हूँ, ठीक है. बट सिर्फ 100 डिज़ाइन्स बनाती गई बनाती गई, उनका यूज़ क्या है? या तो मैं उन्हें सेल करूँ, या लाइक सेल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. ऑक्शंस हो सकते हैं, सेल हो सकता है, ऑनलाइन सेल. तो फर्स्ट आता है लोगों के माइंड में ई कॉमर्स करना. ई कॉमर्स से पहले बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं. आप इंस्टाग्राम पे सेल कर सकते हो, आप फ्लिपकार्ट, अमेजन, इन सब पे सेल कर सकते हो, बट उसके लिए भी यू नीड अ नेम. अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि एक स्मॉल बिजनेस है, आप में से भी कोई हो सकता है, कि स्टार्ट तो कर दिया बट जीएसटी नहीं लिया. बहुत सारे लोग होते हैं जो इंस्टाग्राम पे सेल कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो जीएसटी नहीं लेते. अब जीएसटी ना लेने के लॉसेस एंड प्रॉफिट मैं बता देती हूँ. जब आप जीएसटी लेते हो, जीएसटी में आपके साथ बेनिफिट ये होते हैं कि आप लीगली वर्क कर सकते हो, बिल प्रिंट कर सकते हो, आप एक कस्टमर का ट्रस्ट बेस बना सकते हो. बट विदाउट जीएसटी वर्क करने में कस्टमर इजिली ट्रस्ट नहीं करता. और सिर्फ आप इंस्टाग्राम सेलर बन के रह जाओगे विदाउट जीएसटी, अगर आपको ग्रो करना है, एक्चुअल में इंटरेस्ट है, तो यू नीड अ जीएसटी. और जीएसटी एक बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, 500 to 1000 रुपीज़ में आपका जीएसटी बन जाएगा. और पर मंथ अगर आपका लाइक नोन का सी है, वो जस्ट आपसे 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं पर मंथ की आपका जीएसटी फाइल करने के लिए, ठीक है. उसमें आप सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, किसी भी अकाउंट से डील कर सकते हो जीएसटी के बाद. तो ये बेसिक, ये हो गया बेसिक नॉलेज. अब हम आते हैं टेक्निकलिटी पे. नेम आपने फाइंड आउट कर लिया, जीएसटी रजिस्टर कर लिया. लेट्स से मेरा जो कंपनी है, मैंने कैसे फाइंड आउट किया था नेम, हम उससे रिलेट करते हैं. लेट्स शेयर द स्क्रीन. तो अब जो वेबसाइट्स के नेम मैं मेंशन करूंगी, वो आप नोट डाउन करते रहना, ठीक है. फर्स्ट इज बिजनेस नेम जनरेटर, ठीक है. तो हम जब ये टर्म फाइंड आउट करते हैं गूगल पे, हमें दो तीन टर्म्स आती हैं. इनके ऊपर लिखा है एक पे स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड वाल होती है एडवर्टीजमेंट, जैसे गोडैडी हो गया. तो जो फर्स्ट वाली आ रही है, दैट इज गुड बिजनेस नेम मेकर, वो अच्छी है. बट जो स्पॉन्सर होती है ना, वो रैंक वाइज SEO नहीं करती, SEM करती है. और SEM हो गया SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग. तो उसमें क्या होता है, हमारा बेसिक सेटअप हो गया वेबसाइट, हम पैसे लगाएंगे, हम कुछ टर्म्स सेलेक्ट कर लेंगे. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा बिजनेस नेम जनरेटर. अब गो डैडी क्यों रैंक कर रहा है, क्योंकि ये डोमेन सेल करता है नेम्स के अकॉर्डिंग. इन्होंने पैसे लगाए और मार्केटिंग करी, और ये एडवर्टीजमेंट है, दो तो ये टॉप पे आ रहे हैं. तो ये हो गया सर्च इंजन मार्केटिंग. ये भी बहुत अच्छी फील्ड है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में ग्रो करना चाहते हो, तो इसके लिए भी आप एनालिटिक्स में जा सकते हो, या कंसल्टेशन में जा सकते हो, या प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो सर्च इंजन मार्केटिंग की. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फर्स्ट स्टेप होता है अपनी वेबसाइट को ग्रो करने का. विदाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसी भी तरह की वेबसाइट ग्रो नहीं करेगी. जैसे अगर मैं अमेजन का ही टॉपिक लेती हूँ, अमेजन सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचता. लाइक जब उसने 1995 में जब अमेजन स्टार्ट हुआ, तो वो ऑनलाइन ओनली बुक्स सेल करता था. बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपको कोई भी वेबसाइट है, अमेजन को भी अगर टॉप में आना है, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा. प्रोडक्ट जब कोई भी, लेट से एक्स वाई सेलर है या अमेजन खुद भी है, प्रोडक्ट अपलोड करता है, उसके साथ कंटेंट डालता है, वो एक सिनेरियो है कि जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन एज कंटेंट डाल रहा है, बट वो आर्टिकल्स भी लिखता है. अगर हम अमेजन की वेबसाइट पे जाते हैं, तो बैकएंड में उनके आर्टिकल्स भी रैंक कर रहे हैं. सिर्फ ये इसी तरह से कि प्रोडक्ट डाल दिया और रैंक कर रहा है, ऐसा नहीं है. लेट्स गो टू द एंड. एंड में आप देखो ये कनेक्ट विद अस के लिंक्स डाल रखे हैं. करियर हो गया, अबाउट अस, प्रेस रिलीज, अमेजन साइंस. अब अमेजन साइंस में कुछ ऐसा नहीं था कि जो इनको डालना इम्पोर्टेंट हो, बट कहीं ना कहीं ये क्यों डाल रहे हैं आर्टिकल्स, क्योंकि जब तक आप
कंटेंट नहीं डालते, कंटेंट के बिना आप किसी भी मीडियम में ऑनलाइन ग्रो नहीं कर सकते। डिजिटली कंटेंट इज द की टू ग्रो, ठीक है। अब आप भले ही खुद जनरेट करो कंटेंट या किसी एआई से जनरेट करवाओ, जो हमारा कंटेंट जनरेशन का सेशन होगा उसमें मैं आपको खुद लिखना नहीं सिखाऊंगी, खुद एज इन मैं आपको बैठ के ये नहीं सिखाऊंगी एक एसे कैसे लिखना है, एक आर्टिकल कैसे लिखना है। ये काम आप बचपन से सीखते आ रहे हो, हमने स्कूल पढ़ा है, ट्वेल्थ क्लास तक पढ़ी है, हमें ये चीज़ सिखाई है, नोट मेकिंग हो गया, एसे राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये हमने बहुत सीख लिया। बट आज के टाइम में किसी पे इतना टाइम नहीं है बैठ के चार चार घंटे में एक आर्टिकल लिखे, ठीक है। अब आप इसमें ये तो है नहीं, स्कूल के टाइम पे हम क्या करते थे, हॉलीडे होमवर्क में गूगल से पेस्ट करा, सारा लिख दिया और सबमिट कर दिया हमारा असाइनमेंट। इसमें हम ऑनलाइन बिल्कुल भी ऐसे नहीं कर सकते, तो हम किसी और का कंटेंट पिक करके उसे डायरेक्टली पेस्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं डुप्लीकेसी, डुप्लीकेसी वाले काम नहीं चलते इसमें। वो सारी चीज़ें हम अपने पूरे 20 डेज के सेशन में सीखेंगे, कैसे हमें कॉन्टेंट जनरेट करना है। एक घंटे में आप 4 आर्टिकल 5 आर्टिकल भी जनरेट कर सकते हो, आपकी वाईफाई स्पीड के ऊपर और आपकी मेंटल स्पीड के ऊपर मेन वर्क करता है कि आपके लाइक मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो। लाइक मैं एक घंटे में 10 से 12 आर्टिकल जनरेट कर सकती हूँ, वो भी ऐसे जिसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं होगी। अब चैट जीपीटी एक न्यू टर्म आई है, गूगल के एआई आए हैं, वो सब हम इसमें पूरा बात करेंगे कि क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं। और कुछ भी आपको अगर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा न्यू टर्म है उसको आप क्लियर कर सकते हो, पॉइंट्स लिख सकते हो। आपको लास्ट में 2-3 क्वेरी सेशंस हैं जिसमें सब कुछ मैं क्लियर करूंगी, आप अनम्यूट करके आज के सेशन में भी अपने क्वेरीज क्लियर कर सकते हो, लाइक डेली के जो क्वेरीज हो। कुछ क्वेरीज लास्ट तक आपकी आती हैं, जब आप प्रैक्टिकली चीज़ें करोगे लास्ट में आएगी सेशन के, उसमें आप क्वेरीज क्लियर कर सकते हो। तो यू आर फ्री टू आस्क ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ योर्स, और आप ग्रुप में पोस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो क्वेरीज, ठीक है। तो अब हम थे नेम जनरेट कर, सबसे पहले बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है। मैंने सोच लिया मैं हेयर बैंड्स बनाती हूँ, अब हेयर बैंड्स बनाने की, वो जो प्रोडक्शन वाला काम था वो आपका पर्सनल है, अब आप कहाँ से आउटसोर्स कर रहे हो हेयर रॉ हेयर बैंड्स जो जस्ट एक स्ट्रक्चर है, कहाँ से आप उनका फैब्रिक आउटसोर्स कर रहे हो, कहाँ से डिज़ाइन आउटसोर्स कर रहे हो, वो सब आपके ऊपर है। मैं बात कर रही हूँ एक प्रोडक्ट बन गया उसका क्या करना है, या फिर आप एक बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते हो उसका क्या यूसेज है, आप बहुत अच्छे वीडियोज़ बनाते हो, वो क्या आप उससे अर्न कैसे करोगे, ठीक है। डिजिटली कैसे ग्रो करना है, सबसे पहले नेम चाहिए। अब कई बार क्या होता है, हम बैठे हुए हमने कोई बहुत अच्छा सा नेम सोच लिया, नोट डाउन कर लो, उसको भी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं है। फर्स्ट मैं बोलती हूँ कि आप सिर्फ ऑनलाइन ग्रो करने के लिए नेम मत देखो, लेट से आपका 6 महीने बाद इतना अच्छा बिजनेस हो गया कि आपको कंपनी करवानी है, GST लेना है, कुछ भी लेना है, तो आपको पहले चेक करना चाहिए कि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है, ठीक है। तो हम नेम लिक्स पे क्लिक कर लेते हैं, सब वेबसाइट ऑलमोस्ट सेम है तो आप किसी में भी ओपन कर सकते हो, जैसे अब ये वाली है। अब हेयर बैंड्स से हम रिलेट करते हैं, अब सिर्फ हेयर बैंड्स अगर हम लिखते हैं ना तो वो एक स्पेसिफिक हो जाएगा। अगर आप लिख सकते हो हेयर, एक टर्म ले लो कि आपको फील्ड चूज करनी है, हेयर की करनी है कि जिसमें हेयर बैंड हेयर एक्सेसरीज सारी आएगी, या बैंड्स की करनी है जिसमें हेयर बैंड्स आएंगे, हैंड बैंड्स आएंगे और टो बैंड्स हो गए, एंकल बैंड्स हो गए, तो बहुत तरह के बैंड्स जो है ना बैंड्स आएंगे। तो ये 2 अलग अलग फील्ड्स हो गई, आप इनको अलग अलग भी रख सकते हो, इनको मर्ज करके अगर आप करते हो तो सिर्फ हेयर बैंड्स की इंडस्ट्री में जाओगे जिसमें आपको सिर्फ डिज़ाइंस क्रिएट करने हैं, आप एक्सपेंशन नहीं कर पाओगे आगे जाके, ठीक है। जैसे निश हेयर्स है, एक न्यू ब्रांड चल रहा है, वो हेयर्स में डील कर सकता है, अगर लेट से कि वो हेयर एक्सेसरीज बनाता है वो उसमें डील कर सकता है, बट वो हेयर की पूरी फील्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर वो लिखते निश हेयर एक्सटेंशंस तो वो एक्सटेंशंस में डील कर सकते, वो एक्सेसरीज में डील नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर मैं यहाँ लिखती हूँ हेयर, ठीक है, हेयर जनरेट कर दिया हेयर से रिलेटेड। अब ये थोड़ा सा ना आपको स्टाइलिंग सेलेक्ट करनी है कि आपको ऑल ऑटो कर दो, ऑल स्टाइल्स आ जाएंगे, अल्टरनेट स्पेलिंग चाहिए, जैसे लिफ्ट है LIFT होती है, यहाँ पे Y लगा दिया, प्रोनंसिएशन सेम है एज लाइक फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट में क्या होता है, पहले जो मेन स्पेलिंग उसकी ओरिजिनल स्पेलिंग है वो है FLIP फ्लिप CART, कार्ट की स्पेलिंग C से होती है, बट वो अवेलेबल नहीं था तो दे स्टार्टेड विद K। अब लोग नॉर्मली फ्लिपकार्ट भी कैसे लिखते हैं, मतलब अगर जो बच्चा बहुत ज़्यादा ऑनलाइन होगा ना वो स्कूल में भी लिख के आ जाएगा KART, वो वाले पॉइंट्स हो गए, ठीक है। कंपाउंड वर्ड्स FedEx, Microsoft,
टू वर्ड्स मिक्स कर दिए, फेस अलग है, बुक अलग है, बिट अलग है, कॉइन अलग है, शॉर्ट फेस, डॉलर शेव क्लब, ठीक है, रियल वर्ड्स चाहिए, एप्पल अमेजन, तो कुछ नॉन इंग्लिश वर्ड हो गए, ऑडी इज नॉट इंग्लिश वर्ड, तो ये जापानीज या फिर किसी और लैटिन वर्ड्स बहुत सारे यूज हो रहे हैं. गूगल रोलेक्स ये ब्रांडेबल नेम्स है, तो हम इसको ऑटो करेंगे सो दैट कि हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाए डिफरेंट डिफरेंट, आप इसको जितना चाहे एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई इसमें ऐसा नहीं है लिमिटेशन हो. नेक्स्ट करेंगे रैंडमनेस, लो चाहिए, मीडियम चाहिए, क्रिएटिव रिजल्ट्स चाहिए या रैंडम आइडियाज चाहिए विद वेरिड रिजल्ट्स, तो वी विल गो फॉर हाई. आप लो मीडियम हाई तीनों एक एक बार सेलेक्ट करके देखो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं अलग अलग में. हमारा मेन है हेयर और इसका डिस्क्रिप्शन हम नहीं डालेंगे, हम यहाँ पे बिजनेस डिस्क्रिप्शन नहीं डाल रहे सो दैट ये एक फील्ड को रिलेट ना करें, बस हेयर जो वर्ड है इससे ही बहुत सारे नेम्स मिले. अगर यहाँ आप डालना चाहते हो कि आप बैंड्स में रिलेट करते हो, ये हम डाल देते हैं एक्सेसरीज, एक्सेसरीज डाल दिया एंड जनरेट, तो ये बहुत सारे नेम्स शो करेगा जो हेयर एक्सेसरीज से रिलेटेड होंगे, लाइक दिस स्ट्रैंड स्टाइल्स, फैरो, म्यूजिक. तो पहले आपको क्या करना है, इनके मीनिंग देखनी है, ऐसा नहीं है कि बिना मीनिंग के. एक जब बेबी का नेम भी रखते हैं, योर बिजनेस विल बी लाइक योर बेबी, तो अब जब बेबी का नेम सेलेक्ट करते हैं हम उसका मीनिंग देखते हैं, जो बेस्ट नेम होता है वो सेलेक्ट करते हैं. लेट्स से हम मुझे अच्छा लग रहा है अभी स्टाइल शाइन, ठीक है स्टाइल शाइन. अब हमें पता है स्टाइल मतलब स्टाइलिश काइंड ऑफ, जो थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिसको हम बोलते हैं स्टाइलिश आर्टिस्टिक, और एक शाइन मतलब शाइन करना, बट हम फिर भी उनका एक कॉमन मीनिंग देखेंगे, स्टाइल शाइन मीनिंग, ठीक है. तो कोई ऐसा स्पेसिफिक मीनिंग नहीं आया, ये अच्छा नेम है आप सेलेक्ट कर सकते हो. अब मेरे को क्या है कि मैं डायरेक्टली यहाँ से नेम सेलेक्ट कर सकती हूँ, मुझे कौन रोक रहा है. ऐसे ही आपको ये जो लोग न्यू स्टार्ट करते हैं उन्हें लगता है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, नेम्स आ रहे हैं उन्हें कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, हम सिंपल रखेंगे. जो जो नेम पसंद आ रहे हैं ना, यहाँ से आपको 10 नेम्स सेलेक्ट करने हैं, 10 नेम्स आप डायरेक्टली उनको सेव कर लो, ठीक है, वो आपके सेव्ड वाले सेक्शन में आ जाएंगे, जो भी अच्छा लग रहा है उसको सेव कर लो, ठीक है. बोल्ड ब्यूटी इज गुड, तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी डाल सकते हो आप, फ्लेयर ट्रेजेस. तो अब हम इसमें ब्राउज करते हैं नेम्स, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रिलेटेबल कम लग रहा है, तो हम ब्राउज करेंगे क्रिएट न्यू नेम्स, हेयर एक्सेसरीज, रैंडमनेस मीडियम करेंगे एंड नेम स्टाइल ओके, डन डन जनरेट. तो ऐसे ही आप इसमें बहुत सारे नेम्स पे वर्क कर सकते हो. शुगर वेव, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ लाइक एक ब्रांडेड नेम टाइप फीलिंग दे रहा है, ठीक है. ट्रेस थेरेपी, स्टाइल फ्लेयर एंड चिकलॉक स्नोटी, ट्रेस ट्रायंगल, ट्रेजी, हेलो ग्लैम, ये ऑलरेडी कुछ पोनी टेल्स लिख सकते हैं. पोनी टेल्स ये पूरा हेयर के अकॉर्डिंग आ जाएगा. मेन ब्यूटी, ब्यू बेले, स्निप एंड सैज, तो वॉग्यूमेन, जो भी आपको नेम से अच्छा लग रहा है वो एक यहाँ से पिक करना है हमें, ठीक है. अभी लेट्स से हम कर्ल्स पे क्लिक करते हैं, तो हमने इस पर क्लिक किया. जब हम इस पर क्लिक करेंगे, हम किसी भी एक वेबसाइट पे लॉग इन करते हैं यहाँ से, तो ये अपनी पोर्टल पे ले जा रहा है. हम ओपन करेंगे गोडैडी. गोडैडी से हमें नेम नहीं परचेज करना होता है, इसका भी मैं रीज़न आपको प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि गोडैडी से जब हम परचेज करते हैं तो वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है. अभी हम यहाँ सर्च करते हैं curls.com, इफ इट इज़ अवेलेबल देन हम इसके साथ ही प्रोसीड करेंगे. जैसे कि ये अभी अवेलेबल नहीं है, समवन एल्स इज यूजिंग इट, तो यहाँ पे ब्रोकर फीस आ गया 5-49. अगर ये आप अमाउंट पे करते हैं, व्हाट गो डैडी विल डू फ्रॉम हेयर, वो आपके जिस पर्सन ने curls.com परचेज किया उससे बात करेगा कि और कोई परचेज कर रहा है. अब curls.com का जो ओनर है, जिसने परचेज किया, उसकी मर्जी है आपसे लाख रुपीज चार्ज करे, 1000 चार्ज करे, करोड़ चार्ज करे, तो वो आपके ऊपर है. अब एक कोई जैसे रिलायंस जैसा ब्रांड है, उसको अगर परचेज करना है वो कर लेगा, बट वी आर अ स्मॉल बिजनेस ओनर, तो हम नहीं परचेज करेंगे. हम तो अभी ऑप्शन है कि हम चेंज कर सकते हैं. कर्ल्स में हम जेड लगा के, कर्ल्स काइंड ऑफ, ये भी परचेज्ड है, कर्ली, कर्लीज रख लेते हैं. वेव,
Yeah, these are all purchased. Register domain. ये नेम अवेलेबल है बट डॉट कॉम वाला अवेलेबल नहीं है, तो इसमें आप एक हम एज अ ऑप्शन ले रहे हैं तो हम इसको चूज कर सकते हैं, बट आपको क्या करना है, इसमें से ऑलमोस्ट नेम जो होते हैं वो यूज्ड होते हैं, ठीक है। तो हम दूसरी वेबसाइट पे जा सकते हैं जहाँ पे हमें और ऑप्शंस मिल जाएं, 4-5 वेबसाइट्स यूज करके आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। हाँ बता दे बार कौन कौन सा निकालना है। अरे सारा निकलना है। खुला सामान करो उसे भी ध्यान दीजिए। बड़ा सामान पहले दीजिए। हाँ हाँ तो जैसे वो है पहले यहाँ लिया इस कमरे में फिर ले जाइए। सॉरी फॉर द डिले। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे ना नेम फाइंड आउट करना होता है। हम ऐसे ही रैंडम नेम नहीं सेलेक्ट कर सकते। तो लूका हो गई, शॉपिफाई है, विक्स डॉट कॉम है, इन सब पोर्टल्स को आप यूज कर सकते हो टू जनरेट नेम्स, ठीक है। लाइक लेट्स गो फॉर दिस वन, नेम मेकर, एंड विल से हेयर। यहाँ हमने साइड में टैप कर दिया। ये सारी वेबसाइट आपके फ़ोन में भी बहुत इजीली खुल जाएगी अगर आप सिर्फ मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं। इफ़ यू डोंट हैव पीसी तो आप मोबाइल में बहुत इजीली इन सबको यूज़ कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। तो सेम आएगा इसमें, बस ये जो 3 आपको ऑप्शंस आ रहे हैं ये एक प्रॉपर लिस्ट आएगी बस, ठीक है। अब एडमायर हेयर, आजा हेयर, हेयर जियो, इन पे क्लिक करो। यहाँ गोडैडी से लिंक है, आपको पता चल जाएगा ये अवेलेबल है या नहीं। फर्स्ट प्रेफरेंस है कि डॉट कॉम वाले सेलेक्ट करने। अगर आपको नेम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और डॉट कॉम अवेलेबल नहीं है देन दूसरे पे जाना है, नहीं तो इसको स्किप कर देना है। इसमें देखो आइडियलाइज हेयर पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डॉट कॉम भी अवेलेबल है, डॉट इन, जियो, ORG। तो ये वाला नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। आइडियलाइज हेयर में बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। बूस्ट हेयर में होगा कि हेयर के ना आप ऑयल्स या सीरम्स सेल कर सकते हो। तो जैसे अब आइडियलाइज हेयर अवेलेबल है, इस नेम को हम करेंगे कॉपी नॉर्मली, ठीक है। और इसको अब चेक करेंगे GST नेम चेक ऑनलाइन, ठीक है। GST नंबर नेम नंबर हम यहाँ पे आइडियलाइज हेयर लिखते हैं, आइडियलाइज हेयर हेयर, ठीक है। नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर दिस फॉर द सर्च। आपको नॉर्मली लिखना है GST नेम सर्च। ये मास्टर इंडिया वेबसाइट है, इसको ओपन करो और यू आर गुड टू गो। इससे क्या बेनिफिट होगा लेटर ऑन ना, कई बार एक GST के ऐसा नहीं है कि दो नेम जनरेट नहीं होते। GST दो नेम जनरेट कर सकती है, बट जब हम करते हैं कंपनी नेम चेक वहाँ पर सिंगल नेम होता है। हमें नहीं पता कि हम कितना ग्रो कर जाएंगे आगे जाके कि हमें कंपनी खुलवानी पड़े या एक GST देना पड़े। तो उस केस में हम दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करके चेक करते हैं। आइडियलाइज हेयर लिखा, कॉपी एंड सर्च करना है बस।
अगर यहाँ एक पॉपअप आता है, पॉपअप का मतलब है कि जो हमने नेम सर्च किया है इसकी, इस नेम की आज तक कोई भी कंपनी नहीं बनी है, नहीं तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, अगर कंपनी बनी होती तो क्या आता। मैंने सर्च किया, मेरी इंफॉर्मेशन है सारी आ गई, दिल्ली में लोकेट हुई है और 11 मई लास्ट ईयर, और ये मेरा पिन है, ठीक है, जो कंपनी को एक पिन दिया जाता है, फॉर्म INC फिन किया जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन चेक कर ली। अब हम इसी नेम के साथ आगे के हमारे जो 20 डेज के सेशन है थोड़ा सा वर्क करेंगे। आप कोई अपना टॉपिक देना चाहते हो टॉपिक दे सकते हो, हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पर भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आता है, सबसे पहले नेम जनरेट कर लिया। अब नेम जनरेट करने के बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, या तो आप अगर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, गो फॉर इंस्टाग्राम, गो फॉर फ्लिपकार्ट, मीशो एंड इन सब के साथ स्टार्ट कर लो, और अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो इन्वेस्ट कर सकते हो लाइक बहुत एक स्मॉल अमाउंट, तो मेरे सबसे पहला प्रेफरेंस रहेगा GST तो बनवा लो, ठीक है। GST के बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे आके जाके जब ग्रो करोगे ना, लोन लेना है, क्रेडिट फंड लेना है, गवर्नमेंट स्कीम में अप्लाई करना है, बहुत सारे मिलेंगे। तो उद्यमी सर्टिफिकेट बन जाता है GST के बाद। तो ये छोटी छोटी लीगल चीज़ें होती हैं, लीगैलिटी के लिए भी आप मुझसे बाद में जब अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो, कुछ भी करना हो, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन ना आपको ऑनलाइन बहुत जगह मिल जाएगी, बट आपको एक बेसिक तो पता हो कि आपको सर्च क्या करना है, ठीक है। अब आप GST के बेनिफिट्स फाइंड कर सकते हो, उद्यमी सर्टिफिकेट के बेनिफिट्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि हमें किस नेम से वर्क करना है, आइडियलाइज हेयर, ठीक है। अब आप इंस्टा के अकाउंट बना सकते हो, वो हम इंस्टा के सेशन में देखेंगे, फेसबुक पेजेस बनाओ, अकाउंट बनाओ, वो उसके सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ पे आता है कि हमें अपनी वेबसाइट लेना। अब वेबसाइट लेनी है तो उसके लिए क्या करना होगा, ब्लू होस्ट मैं प्रेफर करती हूँ, आप किसी भी पोर्टल से ले सकते हो। ब्लू होस्ट के अपने बेनिफिट हैं, एक तो लाइक अमाउंट वाइज भी बहुत अच्छा है, और जैसे होस्टिंगर है, और गोडैडी है, गोडैडी में मेरे को अमाउंट और सर्विस दोनों ही हाई लगती है, लेकिन सर्विस इतनी अच्छी नहीं है और अमाउंट हाई लगता है, इसीलिए मैं प्रेफर कम करती हूँ। ब्लू होस्ट में आप देखो 169 पर ईयर का है, बट ये बड़े प्लान में है, छोटा प्लान भी स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स से सेलेक्ट, हमने यहाँ पे ओपन किया, अपना डालेंगे आइडियलाइज हेयर। इसमें मैंने आपको क्यों मना किया था अलग से नेम लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें फर्स्ट ईयर में प्रोवाइड करते हैं, जब हम कोई वेबसाइट होस्टिंग परचेज करते हैं ना, होस्टिंग क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। होस्टिंग इज लाइक जब हम न्यू फोन परचेज करते हैं, अगर वो फोन ऑलरेडी फिल्ड अप है, लाइक उसमें मेमोरी नहीं है, तो विदाउट मेमोरी अगर वो फोन आपके किसी काम का नहीं है, आप उसमें डेटा कैसे डालोगे, कहाँ डालोगे, जब कोई आप पे स्पेस ही नहीं है। तो मेन तो हम फोन क्यों परचेज करते हैं, हम 16 GB का फ़ोन भी तो परचेज कर सकते हैं, दो लोग 256 या इतना हैवी GB का फ़ोन इसीलिए परचेज करते हैं, सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना इंफॉर्मेशन, अपने पिक्चर्स, वीडियोस डाल सकें। ऐसे ही हमें होस्टिंग का बेनिफिट होता है कि इंटरनेट वर्ल्ड पे एक अपनी वेबसाइट होस्ट करने का अमाउंट पे करना, तो ये हम गूगल पे लिस्ट करेंगे, बट ये जो अमाउंट है ये हम किसी ब्रोकर के थ्रू परचेज करते हैं। ब्रोकर कौन है, ब्लू होस्ट। ऐसे ही एक ब्रोकर है गोडैडी, ब्रोकर्स बहुत सारे होते हैं, तो मुझे पर्सनली ब्लू होस्ट पसंद है, तो मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जो मेरी प्रेफरेंस होती है, जो चीज़ें मैंने यूज़ करी है मैं उन्हें ही रिकमेंड करती हूँ। मैंने गोडैडी करी है 2 साल, बट मुझे लिटरली नहीं अच्छी लगी, तो मैं उसको प्रेफर नहीं करती। ब्लू होस्ट में आपकी वेबसाइट ग्रो करने के बेनिफिट होते हैं कि स्पीड बहुत अच्छी आती है। इसमें हमने इन्फॉर्मेशन डालनी है, यहाँ पे अपनी बेसिक पिन कोड हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस, इफ़ यू ओन GST तो GST डालने का यहाँ पे क्या बेनिफिट आएगा, आपको GST का रिटर्न मिल जाता है, ठीक है, GST रिटर्न। अब यहाँ पे मैं आपको रेफर करूँगी, सबसे पहले 12 मंथ्स का परचेज करो, उसमें क्या होगा कि आप 12 महीने यूज़ कर रहे हो, आपको पता चलेगा कि इसमें चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, नहीं मिल रही, सर्विस अच्छी नहीं लगे तो नेक्स्ट ईयर चेंज कर दो, ठीक है। नेक्स्ट ईयर से आपको अपना नेम अलग से परचेज करना पड़ेगा और आपको अपना होस्टिंग अलग से परचेज करनी पड़ेगी, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आएगी। अगर इसको रिन्यू भी करवाते हो तब भी नेम के लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट ईयर तक होपफुली आपको इतना अर्निंग हो जाती है हर किसी पर्सन को, अगर कोई वेबसाइट ले रहा है, कि वो दोनों चीज़ों के लिए अलग से पे आउट कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, अगर आप
उस पे आउट अलग अलग नहीं करना चाहते. तो जैसे मेरी 11 ऑफ मई, लेट्स से 12 ऑफ मई को मेरी होस्टिंग प्लान एंड हुआ, तो मैं 13 तक का वेट करूंगी उसको रिन्यू करने के लिए, और मैं किसी और पोर्टल से उसको रिन्यू कर दूंगी, तो उसमें मेरा अमाउंट सेव हो जाता है. बट उसमें उस केस में आपकी वेबसाइट का ना मार्क्स लो हो जाएंगे, लाइक रैंकिंग लो होने के चांसेस रहते हैं. तो यहाँ पे 12 मंथ का सेलेक्ट किया, 3348 का बिल बना, सब कुछ फ्री है एंड यू आर गुड टू गो. तो ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है. प्रोटेक्ट योर साइट, ये ऑलरेडी SSL मिलेगा इसमें, तो ये लेने की जरूरत नहीं है. ये योस्ट SEO बिल्कुल हटा दो. वेबसाइट का ये मालवेयर प्रोटेक्शन ज़रूर ले लेना, और डोमेन प्रोटेक्शन, दोनों के क्या बेनिफिट हैं. जो वेबसाइट है वो अनोनिमसली कोई भी हैक नहीं कर सकता. नहीं तो क्या होता है, वेबसाइट पे अगर आप ये मालवेयर प्रोटेक्शन नहीं लेते हो, कोई भी लिंक से, लिंक के थ्रू आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है. सेकंड, डोमेन प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन. अब मैं आपको इसका बेनिफिट दिखाती हूँ. हु इज एक पोर्टल होता है, ठीक है, आप भी इसको सर्च कर सकते हो. जो मेरा नेम है, मैंने यहाँ लिखा अमेजन लिखते हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ा पोर्टल है ना, अमेजन लिखते हैं. अब लेट्स से इस पोर्टल की इंफॉर्मेशन हमें मिल जानी चाहिए थी, यहाँ पे ये इनवैलिड दिखा रहा है, ठीक है. अब हम कुछ और लिख के देखते हैं, निश हेयर्स लिखते हैं, जो भी हम बात कर रहे थे. निश हेयर लिखा, ज्ञान अवेलेबल है, अब इस पर्सन की हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती थी. हु इज नेम, हम एक्स नेम फाइंड आउट करते हैं, हम लिख देते हैं वकील सर्च, ठीक है, ये हमें एक न्यू सा नेम लग रहा है. तो कोई भी एक्स वाई जेड वेबसाइट है, गेट बंद कर दे, वकील सर्च लिखा, ठीक है, एंटर कर दिया. अब नॉर्मली क्या होता है, इस पर्सन की इंफॉर्मेशन हमें शो हो सकती थी. यहाँ पे क्या आ रहा है, वो डोमेन नेम आ गया, रजिस्ट्रार गोडैडी है, एक्सपायर होगा 2028 में दिसंबर में, और अपडेट करा है 2023 में, लाइक इस ईयर रिन्यू करा होगा. ये इंफॉर्मेशन आ गई. अब आप देखो, किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, फ़ोन नंबर आ रहा है तो गो डैडी का आ रहा है, स्ट्रीट, ये सारी इंफॉर्मेशन गो डैडी की आ रही है, क्योंकि इन्होंने ये जो प्रोटेक्शन है, ये वाली डोमेन प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन, इन्होंने गो डैडी के थ्रू परचेज करी है. अगर मैं करती हूँ ब्लू होस्ट के थ्रू परचेज, तो ब्लू होस्ट की आती, उस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि उन्हें इशू नहीं है ये अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने में, बट हमें हो सकता है. हम नहीं चाहेंगे कि हर किसी को हमारी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन पता चले, जो हम किसी को नहीं बताना चाहते. जो इन्फॉर्मेशन आप शो करना चाहते हो, अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर दो, सब पढ़ लेंगे. बट इधर से आपको ये परचेज करना इज मैंडेटरी, मैं इसको कंपलसरी बोलती हूँ. आपने परचेज कर लिया, 5,000 रुपये का आप इसमें बिल पेमेंट कर सकते हो, और यू आर गुड टू परचेज योर वेबसाइट एंड होस्टिंग. अब जब हम परचेज कर लेंगे, उसके बाद वेबसाइट क्रिएशन का हमारा सेशन आएगा, जिसमें हम देखेंगे कि हमारी वेबसाइट क्रिएट कैसे करनी है, क्या क्या उसमें प्रॉज एंड कॉन्स हैं, और किस किस मेथड से हमें परचेज करनी है, लाइक क्रिएट करनी है. एक आता है वर्डप्रेस हो गया, एक आता है गूगल ब्लॉगर हो गया, wix.com हो गया. इफ़ यू नो कोडिंग, तो कोडिंग से तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, 1 से 2 महीना लगता है कोडिंग की वेबसाइट बनाने में, और 2 से 3 दिन लगते हैं एक नॉर्मल वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने में. 90% लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं. कोडिंग की वेबसाइट जैसे अमेजन है, इतना बड़ा ब्रांड होने के बाद कोडिंग की वेबसाइट यूज़ करेंगे, फ्लिपकार्ट यूज़ करता है, जो लाइक जिनकी 2 से 4 लाख तक की विजिटर्स हैं पर मंथ, या 10 लाख बोल सकते हैं, उतने छोटा जो स्मॉल बिजनेस है वो नॉर्मल वेबसाइट यूज़ करता है वर्डप्रेस की. उसके ऊपर के जो कस्टमर्स हैं, लाइक जिसकी महीने की 1 करोड़ विजिटर्स आ रहे हैं, वो वेबसाइट क्रैश होने के बहुत चांसेस होते हैं. वो लोग कोडिंग की वेबसाइट बनाते हैं, लाइक CBSE है, उनका जब रिजल्ट निकलता है तो कितने सारे लोग एक टाइम पे वेबसाइट पे आते हैं, और वो वेबसाइट क्रैश भी हो जाती है. कोडिंग की वेबसाइट में भी क्रैशेस होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोडिंग की वेबसाइट और वर्डप्रेस वेबसाइट में बहुत ज़्यादा फर्क है. आपको वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी हो सिखाऊंगी मैं, और उसमें ये भी दिखाऊंगी कि अगर कोडिंग में आपको कुछ करना है, लाइक कोडिंग्स चेंज करनी है, कोडिंग पे वर्क करना है, वो भी आप उसमें कर सकते हो. तो इसमें आपको चीज़ें सारी सिखाऊंगी, बट आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, जितना आप सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा.
तो किसी भी बिजनेस के लिए नेम इम्पॉर्टेंट है। और आपको उसके बाद आता है वेबसाइट खरीदना, वेबसाइट परचेज कर ली, लोगो जनरेट करना, वी विल लर्न एंड ग्राफिक डिजाइनिंग सेशन, वो कैनवा से लोगो जनरेट करेंगे हम, ठीक है। तो आई होप कि आप ये सारे पॉइंट्स लिख रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर सकती हूँ, बट आपको वो चीज़ें नहीं समझ पाएंगी जब तक हम खुद के नोट्स या खुद के पॉइंटर्स नहीं बनाते हैं, तो ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास पॉइंट्स आते हैं, दैट इज़ नॉर्मल पॉइंट्स, दीज आर फ्री प्रमोशनल टूल्स। क्या होते हैं ईमेल मार्केटिंग, एक बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है जिसका मैं आपको पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दूंगी जो आप कर सकते हो। अब फ्री प्रमोशनल टूल में आता है आपका इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो इंस्टाग्राम आएगा, फेसबुक आएगा, ट्विटर आएगा, लिंक्डइन आएगा, एंड स्नैपचैट भी ये बहुत अच्छा यूज़ हो रहा है, और इसके एक्सेप्शनल में और भी सारे जितने भी सोशल मीडिया टूल्स हैं आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये पांच में बहुत अच्छा बिजनेस आपका जनरेट हो सकता है अगर आप पांचों को बहुत अच्छे से लेवरेज कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। अगर वेबसाइट की हम बात करें, गूगल ब्लॉगर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्री वेबसाइट बनाने के लिए, एंड वर्डप्रेस से भी फ्री वेबसाइट अच्छी बनती है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग के लिए मेल चिम्प बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, MAIL मेल CHIMP मेल चिम्प वेबसाइट, एक वेबसाइट है जहाँ से आप फ्री ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। फिर ऑनलाइन हमारी वेबसाइट बन गई, अब मेन आता है हमारा वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। अगर मेरा BJS के साथ अच्छा टाइप नहीं होता, मेरे अच्छे कोलेब्रेशन नहीं होते, कुछ लोग इसमें से अभी भी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग से आए हैं, एज लाइक उन्हें मेरा सेशन अच्छा लगा, आपके क्लोज वंस को उन्होंने रिकमेंड किया कि एक न्यू सेशन इशिका का आ रहा है और ज्वाइन करते हैं, ऐसा हुआ। कुछ लोग बिल्कुल न्यू थे, वो सीखना चाहते थे, ऐसा है। बट वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग बहुत अच्छी वर्क करती है, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग से बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स सेटअप हुए हैं, ग्रो करे हैं, ठीक है। तो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कैसे होगी, आप प्रमोशनल टूल्स इंस्टाग्राम पे ग्रो कर लिया, अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर करो कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, जो भी आपके क्लोज वंस होंगे वो उसको आगे रिकमेंड ज़रूर करेंगे, एक बार सर्विस यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आता है लोगो और अदर एसेट्स ड्रॉ करना। लोगो हम कैनवा से बनाएंगे, वो हम कल के सेशन में सीखेंगे, एंड अदर एसेट्स क्या होता है, हमारे पोस्टर्स हो गए, हमारे फ्लायर्स हो गए। अगर हम फेसबुक की बात करते हैं, फेसबुक की प्रोफाइल पे तो हमने लगा दिया लोगों की पिक्चर, बट हमारा जो कवर पेज है वो अदर एसेट में आता है, ठीक है। तो उसमें कलर थीम वगैरह सब कवर होगा। फिर आता है गूगल रैंकिंग विथ SEO। हमने नॉर्मली वेबसाइट बना ली, वेबसाइट बनाने 3 दिन का काम है, 3 दिन से ऊपर नहीं लगेगा, बिगिनर को भी नहीं लगेगा 3 दिन से ऊपर, इतने अच्छे से मैं आपको क्लियर करूँगी, एक ही घंटे में इतना अच्छा बता दूँगी कि आप वेबसाइट बनाने बैठोगे 3 से 4 दिन में परफेक्ट वेबसाइट बना के तैयार हो जाओगे, ठीक है। अब घर बना लिया, घर में जब तक आप लोग नहीं रहोगे तो वो घर तो एक लाइक एक बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग को हाउस बनाने के लिए इंसानों को उसमें रहना पड़ेगा, ऐसे ही वेबसाइट को ग्रो करने के लिए कंटेंट उसमें डालना ही पड़ेगा, बिना डाले आपका काम नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब कंटेंट कैसे, अब हेयर एक्सेसरी है, इस पर आप कंटेंट क्या डाल सकते हो मुझे भी नहीं पता, जनरली किसी को नहीं पता होता जब वो न्यू कंटेंट राइटर होता है। अब एक वेब, ये AI का सारा काम है जिसमें आपको कंटेंट राइटिंग में मैं बताऊंगी कि कैसे एक छोटी से टर्मिनोलॉजी पे भी, लाइक आप हेयर लिखोगे ना, आपको वो 400 क्वेश्चंस दिखा देगा जिस पे आप आर्टिकल लिख सकते हो। अब उन 400 क्वेश्चंस पे आर्टिकल लिखना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, उसको उन 400 टॉपिक पे भी कैसे आर्टिकल जनरेट करना है, लोगों ने ऑलरेडी उन टॉपिक्स पे आर्टिकल लिखा हुआ है, मैं आपको शो भी कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे नॉर्मली हेयर लिखा, हेयर एंटर, इसके रिलेटेड, सिर्फ हेयर से रिलेटेड कितने लोगों ने आर्टिकल, डेफिनेशन, बहुत सारी चीजें डाली हुई हैं। 0.46, मतलब 1 सेकंड भी पूरा नहीं लगा और ये रिजल्ट निकल के आया है। 818 करोड़ लोगों ने इस पे आर्टिकल डाला हुआ है। अगर हर पर्सन इतना आर्टिकल लिख सकता है तो आप भी एक आर्टिकल और ऐड ऑन कर सकते हो। अब आप सोचोगे इतने लोगों में हमारी तो वेबसाइट या हमारा कंटेंट तो खो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, आर्टिकल नहीं खोएगा, उसको कैसे सबसे डिफरेंट बनाना है
लोगों मतलब ऑलरेडी जो पोस्टेड आर्टिकल हैं उन्हें ही यूज करके उसको बोलते हैं कंटेंट क्यूरेशन, उसे हम डिफरेंट बना सकते हैं, ठीक है। देन फोटो एंड वीडियो कंटेंट, अगर अगर हम नॉर्मली कंटेंट रीड आउट करते हैं तो 60% इम्पैक्ट पड़ता है पर्सन पे, फोटो कंटेंट से 80%, वीडियो कंटेंट से 100% इम्पैक्ट पड़ता है, ऑडियो कंटेंट आपका फोटो कंटेंट के लाइक फोटो कंटेंट 70%, वीडियो कंटेंट 100% एंड लाइक रिटन कंटेंट 60% इम्पैक्ट पड़ेगा, चांसेस है 60% कस्टमर के कन्वर्ट होने के। ऑडियो जो पॉडकास्ट होते हैं, पॉडकास्ट ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है इस टाइम, बहुत सारे लोग पॉडकास्टिंग कर रहे हैं जो नॉर्मल वीडियो नहीं बना सकते। लाइक मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाती हूँ जब मैं वीडियोस क्रिएट करती हूँ, तो इसीलिए मैं पॉडकास्टिंग करना पसंद करूँगी। बहुत सारे लोग होते हैं कि पॉडकास्टिंग को अपना प्रोफेशन भी बनाते हैं। आप नॉर्मली हेयर्स के बारे में जो जो कंटेंट मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखना है, कंटेंट पेज पे लिखो और उसकी ऑडियो बनाओ और पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे डाल दो, फ्री में डाल सकते हो, उसके भी कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो पॉडकास्ट के लिए गूगल पॉडकास्ट हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे आप फ्री पोस्ट कर सकते हो। हम पॉडकास्ट लास्ट के सेशंस में ऐड ऑन करेंगे ज़रूर, फॉर श्योर, ठीक है। तो और उसके बाद फोटो कंटेंट, कैनवा से ना आप फ़ोन से अपना इतना अच्छा बिजनेस ग्रो कर सकते हो, लाइक आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 6 मंथ्स में अगर आप एक्चुअल में रोज़ एक कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, लेट्स से आज एक फोटो डाल दिया, कल एक कैरोसेल डाल दिया, कैरोसेल क्या होता है 3-4 पिक्चर इंस्टाग्राम पे एक साथ में पोस्ट करना, फिर परसों एक वीडियो डाल दिया, फिर फोटो कैरोसेल वीडियो स्टोरीज दिन में 4-5 डाल दो, अब कुछ अपनी डालो कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स की डालो, इससे ग्रो करता है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स तो मैं इंस्टाग्राम के सेशन में आपको बहुत सारे दे दूंगी जिनसे आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है। विद दिस अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है तो आपको लिंक्डइन पे क्या बेनिफिट है, इंस्टाग्राम पे जो कस्टमर आ रहा है वो यूथ है, फेसबुक पे जो आ रहा है वो 35+ है मोस्टली, उनके साथ डील करने में क्या बेनिफिट होगा, 35+ के हर किसी के बच्चे हैं, वो अपने बच्चों से रिलेट करवाएंगे, उनको बताएंगे इन्फॉर्मेशन खुद। अगर आपको ग्रो करना है ना, आपको हर एज ग्रुप के लोगों के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। लिंक्डइन पे अगर आपने करना है बिजनेस तो लिंक्डइन पे ये मत सोचना कि आपका बिजनेस ग्रो सेल्स आ रही है, सेल्स आए ना आए, बट लिंक्डइन पे पोस्ट करने का ये बेनिफिट मिलेगा कि आपका एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में एंट्री हो जाएगी, ठीक है। कॉरपोरेट वर्ल्ड में एंट्री होने के बाद आपको वो जैसे कोई और अदर हेयर एक्सेसरी का ब्रांड है या ब्यूटी ब्रांड है वो आपको स्पीच देने के लिए बुला सकता है, आपके प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए कॉन्फ्रेंस मिल सकती है, एग्जीबिशंस मिल सकते हैं, ट्विटर पे भी आपकी एक एग्जिस्टेंस बन जाएगी, वहाँ से सेल्स भी आ सकती है, बट सेल्स के चांसेस लिंक्डइन एंड ट्विटर से बहुत कम है जितना इंस्टाग्राम से है। इंस्टाग्राम पे अगर आप सर्च करोगे हैशटैग स्मॉल बिजनेस, आपको 100 ऑफ स्मॉल बिजनेसेस मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आता है लोकल अवेयरनेस क्रिएट करना, जो हम आगे सेशंस में सीखेंगे, गूगल लिस्टिंग्स, गूगल माय बिजनेस ऑलरेडी है इसमें, गूगल मैप्स पे आपका बिजनेस कैसे आएगा, गूगल मैप्स पे आपकी एग्जिस्टेंस कैसे आएगी, ठीक है, वो इसमें मेंशन करेंगे। तो जब कोई भी पर्सन आपकी स्ट्रीट से पास आउट हो रहा है, लाइक पास ऑन कर रहा है, तो वो उसने एड्रेस डाला आपके 4-5 बिल्डिंग आगे का, तो आपका आपको दिखता है ना छोटे छोटे पार्लर्स, स्कूल, हर चीज़ मेंशन होती है। ऐसे ही कहीं ना कहीं आपका बिजनेस भी मेंशन होगा गूगल पे, वहाँ पे आपकी एक एग्जिस्टेंस क्रिएट होगी। ट्राई को मार्केटिंग, को मार्केटिंग क्या है, आप हेयर एक्सेसरीज सेल कर रहे हो, कोई एक पर्सन है जो हेयर ऑयल शेयर वहाँ पे मार्केट कर रहा है, दोनों आपस में कोलैबोरेट कर लो, एक प्रोडक्ट ये हो गया। नहीं तो आपको लगता है आपका हेयर बैंड का बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर गया है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, पहले उसको थोड़े टाइम जैसे स्क्रंचीज है उसको बाय प्रोडक्ट सेल करो कि फ्री दे रहे हो, ऐसे कर रहे हो, बट धीरे धीरे आपका वो कस्टमर बेस इतना अच्छा बन जाएगा, उसका आप बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, वो आपका सेकेंड प्रोडक्ट एड ऑन हो जाएगा। फिर हमारा एक आता है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, इसके बिना बिजनेस में बहुत ज़्यादा टफ है सर्वाइव करना, कंपटीशन से लाइक स्टैंड आउट करना। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन इज़ लाइक आप यूनिक डिज़ाइंस, जैसे अभी कुछ टाइम पहले लाइक मॉल्स में, हर मॉल में क्या था, जो लाइक एक्सट्रीम विड्थ वाले जो हेयर बैंड हैं और उसमें भी स्टोन वर्क बहुत ज़्यादा चल रहा था, ठीक है। फिर आया लेस वर्क,
मिनिमल स्टाइल्स आए, तो इसमें आप ये है कि अपना एक खुद का ट्रेंड भी बना सकते हो, अपने ट्रेंडी हेयर बैंड्स बनाओ, उनको सेल आउट करो नियर एंड डियर वंस को, कभी कभी हमें फ्री में भी देने पड़ते हैं जब वो पिक्चर, लेकिन उनको बोलो पिक्चर पोस्ट करके आपको टैग करें, किसी को नहीं पता कि आपके रिलेटिव हैं, बट जब वो पोस्ट करते हैं वहाँ पे आपका बिजनेस बहुत अलग से ही शोकेस होता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से अपना को मार्केटिंग भी करनी है, बट स्टार्टिंग में मार्केटिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स ढूंढने के। एफिलिएट प्रोग्राम क्या होता है? एफिलिएट प्रोग्राम से आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। इट्स लाइक मैं आपकी एक एफिलिएट हूँ, आप मैं एक प्रोडक्ट बनाती हूँ, आप चारों को पसंद है, तो मैं आपको क्या बोलूँगी, आप आगे रीशेयर करो, और अगर आपके लिंक के, मतलब आपको एक लिंक दूंगी, उस लिंक के थ्रू अगर किसी ने मेरे से हेयर बैंड परचेज किया तो मैं आपको 10% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस पे करूँगी। इसमें एफिलिएट मार्केटिंग हो गई। हर ब्रांड ये कर रहा है, अमेजन पे मैं आपको शो करती हूँ, अमेजन भी ये कर रहा है एफिलिएट मार्केटिंग, और ये ग्रो करने का बहुत, मीशो पे आप देखते हो एडवर्टीजमेंट आते हैं, घर बैठे 50,000 कमाए, 40,000 कमाए, वो यही चीज़ है, वो उसको नेटवर्क मार्केटिंग भी बोल सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग को। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली क्या होता था कि मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं अपना पूरा प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, सब कुछ दे रही हूँ, फिर आप परचेज कर रहे हो। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, मैंने यूट्यूब पे सर्च करा हेयर बैंड्स, मैं उनके डिस्क्रिप्शन में गई, जो लिंक मुझे अच्छा लगा, जो भी हेयर बैंड मुझे परचेज करना है, लेट्स से मैं यूट्यूब पे जाती हूँ, लेट्स फाइंड आउट कोई, इसे ये है, ये एडवर्टीजमेंट है, ये यूट्यूब एडवर्टीजमेंट आएगा, और हम ट्रेंडिंग में जाते हैं, हेयर बैंड्स, ठीक है, हेयर बैंड्स मैंने टाइप किया, यहाँ पे टाइप्स ऑफ हेयर बैंड्स विद नेम, इन्होंने ना अपनी वीडियो में टाइप्स ऑफ हेयर बैंड्स के बारे में बात कर रखी है, 2 साल पहले की वीडियो है, उन्होंने ये भी बोला होगा इफ़ यू लाइक एनी हेयर बैंड तो आप मेरे वीडियो में जा सकते हो और सबके लिंक्स मेंशन हैं और परचेज कर सकते हो। ये चीज़ बहुत सारे वीडियोज़ में लोग बोलते हैं ना, तो वो यही है, वो एफिलिएट मार्केटिंग ही होती है। लेट्स फाइंड सम अदर वीडियो जिसमें ये, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, नॉट मेंशनड, तो आई डोंट नो लाइक व्हाई दे डिडंट मेंशन, तो हम बुक्स फाइंड आउट कर लेते हैं, बुक्स में होपफुली मिल जाए। इसमें मिल जाए पहली बुक, ये इन्होंने अपने बारे, अपनी बुक्स के बारे में भी और दूसरी बुक्स के बारे में भी शेयर कर रखा है। अब आप देखो, गेट ऑल दीज बुक्स हेयर, अगर हम इस बुक पर क्लिक करते हैं और हम इस बुक को अगर परचेज कर लेते हैं, ये अमेजन का लिंक है, परचेज करने के बाद क्या होगा, इनको एफिलिएट अमाउंट मिलेगा 390 रुपीस की हम बुक परचेज करेंगे, इनको जो भी वो बुक्स का हर चीज़ का ना अपना अपना एक परसेंटेज सेट कर रखा है अमेजन ने, वो अमाउंट इन्हें मिलेगा। अब वो मैं आपको भी शो कर देती हूँ कि वो कहाँ से आपको सेट करना है, क्लिक करो, स्क्रॉल डाउन, बिकम एन एफिलिएट, क्लिक करो, आप अपना अकाउंट बना होगा ऑलरेडी अमेजन का, बस इसमें आपको लिंक करना है, 3 मंथ्स में 1,000 व्यूज आने चाहिए, पर कितने लोग कमा रहे, कितना आप अर्न कर रहे हो वो सब मैटर नहीं करता, 1,000 व्यूज आने चाहिए, आपकी वेबसाइट होनी चाहिए या यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया अच्छा होना चाहिए, तो आपको यहाँ से अमाउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
ये आपने बस लिंक शेयर करने और अपनी वीडियो में या कंटेंट में बुक्स के बारे में बता दिया, कोई भी पर्सन परचेज कर रहा है, आपको अर्निंग हो रही है। तो रेगुलरली लोग इसीलिए कंटेंट बना रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अर्निंग हो रही है, ठीक है। ऐसे ही यूट्यूब पे या और अदर प्लेटफॉर्म पे भी लोग वर्क कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे आप देखो कि लिंक आ इन माई बायो, आप जाके परचेज कर सकते हो एक्स वाई प्रोडक्ट। जो रील्स स्क्रॉल करते हैं उन सब उन लोगों को इस चीज़ का आइडिया 101% होगा कि लोग एक छोटा सा प्रोडक्ट उठाया, उसके बारे में मार्केटिंग करी और की स्टोरी पे लिंक है या फिर बायो में लिंक है, वो चीज मेंशन करके एंड दे आर गुड टू गो। ऐसे ही ये आपकी नॉर्मल मार्केटिंग हो गई, इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ये आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए भी बना सकते हो, सिंपल है। छोटे स्मॉल बिजनेस क्या करते हैं ग्रो करने के लिए, अपना प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसर्स, जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भेज देते हैं, वो एक स्टोरी लगाएंगे, आपके थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट ना एक या एक महीने में सेल हो जाएंगे बहुत प्यार से, क्योंकि उनके लैक्स में बहुत व्यूज आते हैं और फॉलोअर्स हैं। एक कॉन्टेस्ट आप बना सकते हो, कॉन्टेंट कॉन्टेस्ट एज इन थोड़ा सा अपना पहले 500 फॉलोअर्स कर लो, फिर कॉन्टेस्ट जो आप इंस्टाग्राम पे देखते होंगे कि टैग 3 फ्रेंड्स एंड लाइक दिस पोस्ट एंड शेयर एंड फॉलोअर्स, यू विल गेट अ फ्री हेयर बैंड, फ्री लैपटॉप, ऐसा बहुत सारे लोग डालते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्टेस्ट। वो हो गया शेयरेबल कॉन्टेस्ट या फिर जस्ट फॉलो करने का। आप बना सकते हो स्टोरीज पे, लोग क्या करते हैं कुछ लोग क्वेश्चंस डालते हैं और नीचे येस और नो या फिर ऑप्शंस MCQ टाइप ऑफ कॉन्टेस्ट बना देते हैं। ऐसे आप छोटे छोटे कॉन्टेस्ट बना सकते हो जिससे आपके एंगेजमेंट रेट बढ़ेगा और एंगेजमेंट के रेट बढ़ने पे सेल्स भी बढ़ती है, लोग एंगेज हो पा रहे हैं आपसे, कनेक्ट कर पा रहे हैं। फिर रेंट अ बूथ एट अ ट्रेड शो, जो भी कोई नियर बाय ट्रेड शो हो उसमें आपको बूथ रेंट करना है आप कर सकते हो, नहीं तो कुछ लोग ऐसे ही नॉर्मल कार्ट लगा लेते हैं, कभी कभी कार्ट के भी अमाउंट होते हैं बड़ी कार्ड के, तो आप छोटे कार्ड्स ओन कर सकते हो किसी भी रेंट मतलब बूथ पे। कोई भी ट्रेड शो हो रहा है उसके अंदर आपको लगता है कॉस्टली है कोई भी बूथ, तो आप अपना एक छोटा कार्ट लगा लो या फिर अपने कार्ड या अपने प्रोडक्ट हाथ में लेके घूम लो। बहुत सारे लोग ये करते हैं, एग्जीबिशन में कभी जाके देखना बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। बिजनेस कार्ड्स क्या होता है, लोग क्या करते हैं 1000 से नीचे बिजनेस कार्ड्स आपके नहीं बनते, कभी कभी मेरे एरिया में 250 के 1000 कार्ड्स भी बनते हैं और 1000 रुपीज़ का 1000 कार्ड भी बनते हैं। व्हाट आई डू, देखो स्मॉल बिजनेस है, आई एम वर्किंग फ्रॉम 2019, मैंने सारे आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करके देखे हैं। कैनवा पे हम डिज़ाइनिंग करेंगे बिजनेस कार्ड की और उसको नॉर्मली किसी भी प्रिंटर से हैवी जो शीट आती है आपकी पेस्टल शीट, जिसे वाइट वाली बोलते हैं, वाइट वाली पेस्टल शीट, उस पर प्रिंट कर लो, खुद कटिंग कर लो, तो इनोवेटिव कार्ड्स बना लो, सब पसंद करते हैं आजकल, तो आपने देखा होगा वर्टिकल कार्ड्स बहुत चल रहे हैं हॉरिजॉन्टल की जगह, ठीक है। तो इसी तरह से आपको वर्क करना है इस फील्ड में कि आप ये देखो कि आप बेस्ट आउट ऑफ कैसे क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आता है राइट डाउन योर ब्रांड मैसेजिंग, आपका ब्रांड क्या मैसेज प्रोवाइड कर रहा है वो अपने कार्ड में बैक साइड पे मेंशन कर दो, अपनी वेबसाइट पे, इंस्टाग्राम पे, हाँ गेट बंद करके फिर, तो ये चीज़ें आप मेंशन करना स्टार्ट करो कि आपका ब्रांड एक्चुअल में क्या मैसेज दे रहा है। जैसे हेयर बैंड का ये इनोवेटिव है, क्रिएट योर ओन स्टाइल और क्रिएट योर ओन स्टाइलिश हेयर वॉर्ड्रॉप, ठीक है। तो ऐसा आपको मैसेजिंग खुद क्रिएट करनी है। अब ये मैसेज के लिए हम एक वेबसाइट यूज़ करेंगे, आप नॉर्मली स्लोगन मेकर लिख सकते हो ऑनलाइन, स्लोगन मेकर अगर आपको नहीं लिखना है तो ब्रांड स्लोगन जनरेटर लिख दिया, स्लोगन। इस वाली वेबसाइट का क्या काम है, ओबेरलो मैं यूज़ करती हूँ, तो और लाइक कभी कभी जब हम कंसल्टेशन करते हैं हम ये वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, तो ओबेरलो पे आप लिख सकते हो हेयर, लिख दिया हेयर द पावर ऑफ ऑन योर साइड, वॉट एवर यू आर इन टू गेट इन टू हेयर। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्लोगन्स है ना 100,000s ऑफ, तो उनको ही एडिट करके उनका जो कीवर्ड होगा, कीवर्ड इज लाइक मेरा यहाँ पे कीवर्ड चल रहा है हेयर एक्सेसरी, ठीक है, और मेरा एक्चुअल में जो मेरी बिजनेस है व्यापार, अब जो मेरी स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप चलती है उसका मेन कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, टीचिंग, कोचिंग है, ठीक है, लाइक आई मीन टू लाइफ कोचिंग, तो ये मेरा कीवर्ड है। कीवर्ड आपको बहुत हेल्प करता है, जैसे हम हैशटैग्स लिखते हैं ऐसे ही कीवर्ड्स होते हैं, तो
यहाँ पे जो आपका मेन हमने डाला था वर्ड हेयर डाला, तो हेयर से ममाज गॉट द मैजिक ऑफ योर हेयर. अगर आप हेयर ग्रोथ में वर्क कर रहे हो तो आप ये बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो. हेयर इनोवेट द वर्ल्ड, हील द वर्ल्ड विद हेयर, हेयर एक्सेसरीज डालते हैं. एक्सेसरीज, हेयर एक्सेसरीज विल डू एनीथिंग फॉर यू, फर्स्ट क्लास, नेवर नोइंगली, वेयर सक्सेस इज एट होम. तो बहुत सारे आप फैशंस के ब्रांड्स, अपने जो कॉम्पिटिटर ब्रांड्स हैं उनको फाइंड आउट करो, उनका जो स्लोगन है उसी से मिलता जुलता उसको हम क्या करेंगे कॉन्टेंट में आपको मैं बताऊँगी. किसी भी ब्रांड के स्लोगन को भी आप अपने में यूज़ कर सकते हो बहुत इनोवेटिवली. ऐसा नहीं है कि सेम कॉपी कर दिया, उसको अलग तरह से आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, फिर आता है टैगलाइन. अब ब्रांड का मैसेज और टैगलाइन में थोड़ा डिफरेंस होता है. मैसेज दो लाइन का भी हो सकता है, तीन का भी, बट टैगलाइन चार से पांच वर्ड की होती है. पांच मतलब छह वर्ड से. जो लाइक अमूल का जो ब्रांड है, अमूल ब्रांड की नॉर्मल क्या मैसेजिंग है कि गाओ का मिल्क है, सारे प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं. उनके मैसेजेस अलग हैं बट उनकी जो टैगलाइन है अमूल दूध पीता है इंडिया. अगर आप इसकी जो सिर्फ ट्यून जैसे बोलते हैं, वर्डिंग्स छोड़ के सिर्फ ट्यून सुनोगे ना, तब भी आप रिलेट कर पाओगे कि ये अमूल का ही एड चल रहा है. इस तरह से आपको अपनी टैगलाइन बनानी है. यूज़ द सेम कलर स्कीम, लोगो, प्लेसमेंट, लुक द फील थ्रू आउट. इसका मतलब है जो आपकी ब्रांड है उसका एक सेम कलर चार्ट होना चाहिए. कलर चार्ट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं हमारे ब्रांड को. जस्ट होल्ड ऑन, देख ले दो मिनट अंदर कुछ भी सामान बाहर ले जाने का हो तो, नहीं तो पाँच मिनट रुक जा. ठीक है, तो मैं आपको कलर स्कीम्स दिखाती हूँ कैसे सेलेक्ट करनी होती है. अभी बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स आती हैं कि आप कॉम्बिनेशन बना के जैसे येलो के साथ पर्पल वियर कर रहे हैं लोग, ये सारे कलर चार्ट हैं. इस तरह से भी कर सकते हो बट यहाँ पे हम देखते हैं ब्रांड कलर स्कीम्स. ठीक है, स्कीम्स लिख दो या फिर उसको कलर चार्ट लिख दो. साइकोलॉजी मेन इसकी टर्म है, साइकोलॉजी लिखो. इमेजेस में जाओ, आपको अपने ब्रांड से एक्चुअल में क्या इमोशंस कनेक्ट करने हैं लोगों के, वो आपको देखना है. ये है इमोशन गाइड, ये फर्स्ट इमेज है जो जिससे हम रिलेट ज़्यादा कर पाते हैं. Amazon का जो लोगो है उसमें नीचे A से Z तक आप देखो एक एरो बन रहा है और बहुत सिंपल फॉन्ट में लिखा हुआ है एंड इट इज़ गुड टू गो. ये सारे येलोइश कलर में जो लोगो हैं, ऑरेंज में है, तो इन सब के मीनिंग भी लिखे हुए हैं. वाइट मीन्स बैलेंस, तो विकिपीडिया एक काम वेबसाइट है, एजुकेशनल वेबसाइट है. ग्रीन इज़ लाइक हेल्दी, पीसफुल, तो ग्रीन के इस तरह से लोगो हैं. ठीक है, अगर हम और कलर चार्ट्स देखते हैं, साइकोलॉजी ऑफ कलर्स, तो येलो में, ऑरेंज में ये फीलिंग्स आती है येलो में, तो हर किसी का सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं देखनी है, आप उसको नेगेटिविटी भी उसकी रीड आउट करो. उसके बाद बेस्ट कलर्स अपने बिजनेस के लिए सेलेक्ट करने हैं. पिंक में ये सारे ब्रांड्स आ गए, रेड में, पर्पल में, नेवी में, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज. तो जैसे purple.com है, अब पर्पल इज लाइक मीन है डीप, क्रिएटिविटी, ये सब इसका फीलिंग्स आ गई. ठीक है, फैंटेसी, तो purple.com है एक फैशन ब्रांड है तो उन्होंने purple.com रख लिया. आप और भी lavender.com एक अच्छी वेबसाइट चल सकती है. अभी तो ऐसा लगेगा एक फुलिश आइडिया नेम भी, बट जब ग्रो करती है ना तो एक अच्छा मैसेज क्रिएट करती है. ऐसे ही कलर्स के साथ आप वर्क कर सकते हो, बहुत सारे लोग करते हैं. इस तरह से ही आप अपने ब्रांड के लिए एक बहुत सुंदर कलर थीम सेलेक्ट कर सकते हो. जैसे मेरे ब्रांड में है येलो और ब्लू कलर का लोगो मैंने बना रखा है तो मैं उसमें वर्क करना पसंद करती हूँ. ऐसे ही आपको बहुत सोच समझ के कलर स्कीम से सेलेक्ट करनी होती है. तो अभी के लिए व्हाट योर वर्क विल बी, आपको मेमोरेबल बन रहा है. कुछ लोग क्या करते हैं मॉडर्न स्टाइल सेलेक्ट करते करते मेमोरी में नहीं रहते. कुछ लोग जैसे अमेजन का बहुत सिंपल सा लोगो है, हम कभी भी रिकॉल कर सकते हैं. फ्लिपकार्ट का हमें पता है F और फेसबुक का F है जो बेंड वाला, तो उन्होंने मैसेजिंग इतनी अच्छी क्रिएट करी है. अगर आप रेगुलरली अपने लोगोज क्रिएट करते रहोगे और न्यू लोगो बनाते रहोगे, आप तो सोच रहे हो आप क्रिएटिव हो रहे हो, मॉडर्न हो रहे हो, बट वो एक मेमोरी क्रिएट नहीं कर पाएगा, लोगों के माइंड में इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगा, एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं बन पाएगा.
फिर आता है बी डिलीवर कंटेंट टू योर ऑडियंस दे कैन यूज हेयर ब्रांड से रिलेटेड. कुछ लोग क्या करते हैं हेयर ब्रांड में खुद डील कर रहे हैं और वो डाल देंगे हेयर ऑयल बेस्ट हेयर ऑयल्स इस तरह की इंफॉर्मेशन जो ऑडियंस यूज कर पाए. अब आप फालतू कंटेंट डालोगे ना ऑडियंस रिलेट नहीं कर पाएगी कि हेयर ब्रांड्स रात को लगा के नहीं सोना. इस तरह का इन्फॉर्मेशन डाल दो हेयर पिंस लगा के आपका ब्लड फ्लो कम हो सकता है रात को क्योंकि हेयर पिंस का बहुत ज़्यादा आ रहा था कि उनसे नर्व डैमेज हो सकती थी अगर आप रात को लगा के सो रहे हो तो हेयर पिंस. वो सब कंटेंट अगर आप डालते हो ना एक पर्सन रिलेट कर सकता है. इस्टेब्लिश योर सेल्फ एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट विद द राइट कॉन्टेंट. अब कॉन्टेंट उठा के अगर आप हेयर में डील कर रहे हो और आप स्किन का डाल रहे हो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं कहलाओगे. लाइक आई मीन टू डिजिटल मार्केटिंग तो मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ साथ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ बट कहीं ना कहीं वो रिलेट कर रही है एक बिजनेस कंसल्टेंट की जो मेरी इमेज है वो अभी भी बनी रहेगी. वो मैटर कर रही है मेरे को कि मेरे को बिजनेस कंसल्टेंसी में जाना है उसमें डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग सारे तरह की मार्केटिंग आती है. फिर पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मैंने जो आपको बताया कहीं पे भी हेयर से रिलेटेड जैसे जो पर्सन हेयर ऑयल सेंट सेल कर रहा है और आप हेयर एसेसरीज में उसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो. जो स्किन के ब्यूटी प्रोडक्ट कर रहा है और हेयर ऑयल वाला उसके साथ कोलैबोरेट कर सकता है. तो आप क्या कहते हैं हेयर एसेसरीज में डील कर रहे हो आप ब्यूटी एक्सेसरीज लाइक ब्रेसलेट हो गए उस पर्सन के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो. तो पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज जहाँ मिले छोटी बड़ी कैसे भी उसको आपको ग्रैब करना ही करना है. मूवमेंट मार्केटिंग एंड कोलैबोरेशन. मूवमेंट मार्केटिंग क्या होता है जब एक सॉन्ग आया था पार्टी हो रही है जो सॉन्ग आया था उस टाइम पे हर बिजनेस ने क्या करा आधा सॉन्ग तो वही लिया पार्टी हो रही है वो म्यूजिक लिया वो वाली लाइन ली उससे पहले की जो लाइन है वो अपनी ऐड कर दी. ये होती है मूवमेंट मार्केटिंग. जो वायरल होने के लिए ना ये सारी छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ती है. जो पॉइंट पे लेट्स से अभी कोई सॉन्ग ट्रेंडिंग पे है तो ट्रेंडिंग सॉन्ग यूज़ करना इज़ वायरल मार्केटिंग. बट मूवमेंट मार्केटिंग क्या हो गया कोई मूवमेंट है. और जब शार्क टैंक के आपने देखा होगा हर किसी शार्क का एक डायलॉग वायरल होता है तो उस वायरल डायलॉग पे लोग अपनी अपनी मीम्स बना देते हैं उस फोटो को यूज़ करेंगे ऊपर अपनी फोटो लगाएंगे और एक मीम मार्केटिंग हो गई. तो ये सारी मूवमेंट कैप्चर करके आपको मार्केटिंग करना ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है आज के टाइम में क्योंकि लोग रिलेट कर पाते हैं इनसे. ठीक है फिर हमारा आता है कम्युनिटी बेस्ड मार्केटिंग विद द गिव अवेज कि आप डाल सकते हो कि तो, shout outs दे सकते हो. shout out to all the hair accessory lovers. वो लोग कमेंट करेंगे उनकी screenshots लो अपनी stories में लगाओ उनको टैग करो उनको अच्छा फील होता है और उससे आपकी मार्केटिंग हो जाती है. वो रीशेयर करते हैं stories. ठीक है मीम्स मार्केटिंग हो गया. मीम्स बनाओ और उसमें अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डालो एक लाफिंग इमोजीज डालो जिससे लोग एक मीम्स का एक्चुअल में मीनिंग है लोगों को हंसी आए गिव देम द रीज़न टू लाफ. एक रीज़न भी दे दिया और कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी कर दी. आप जैसे अभी एक वो पर्सन की इमेज है लाइक आई डोंट नो द नेम और शायद पता भी नहीं किसी को. वो दो पिक्चर्स पे लाइक एक बैक साइड फेस करके खड़ा रहता है और थर्ड पिक्चर पे आपके प्रोडक्ट की साइड फिंगर करके खड़ा रहता है. ठीक है उस पॉइंट पे क्या है ऊपर दो लिख दो कि सिंपल हेयर बैंड नो फैब्रिक्स नो और अपने प्रोडक्ट के आगे या दिस इज़ द वन और योर ऑडियंस विल लव. तो ऐसे करके आप चीज़ें लिख सकते हो. ये सारी हम इंस्टाग्राम में और पिक्चर्स जब क्रिएट करेंगे कैनवा में वो सब सीखेंगे बट ये एक सब बेसिक नॉलेज है जिससे आपका बिजनेस ग्रो होगा. एडवर्टाइजमेंट विद रीजनल टच ऑन स्पेसिफिक फेस्टिवल्स. दिवाली आ रहे दिवाली के रिलेटेड हेयर बैंड्स बनाओ रीजनल टच दो उनके साथ में मेंशन करो कि विद अ हेयर बैंड चाहे रेट बढ़ा दो कि रेट बढ़ा दिए 50 rupees से और ऐड सम दिया और ऐड सम पिंस और दिवाली का टच जिस चीज़ में आ रहा है वो चीज़ अपने हैम्पर में ऐड कर दो बहुत ज़्यादा सेल इंक्रीज होगी. दिस इज़ व्हाट आई डू. लाइक मेरे सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं लाइफ कोचिंग में हूँ आई डू मल्टीपल बिजनेसेस. गिफ्ट पैकेजिंग का हो गया मेरा ब्राइडल पैकेजिंग जो होती है फिर ऑन द अदर हैंड आई टीच डिजिटल मार्केटिंग फिर एक मेरा थर्ड बिजनेस है जिसमें मैं कंसल्टेंसी कर रही हूँ. तो ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे बिजनेस आई एम डूइंग. तो हर किसी में अलग अलग मेरे को टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है टू ग्रो माई सेल्फ. तो
इसी तरह से आप लाइक छोटी छोटी जब चीज़ें यूज़ करोगे, इफ़ यू वॉन्ट टू टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दीज टिप्स एंड ट्रिक्स, जस्ट टेक द स्क्रीन शॉट. या दिस इज द थिंग विच आई एम टेलिंग यू अबाउट. इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंशन नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल पॉइंटर्स हैं. बाकी पॉइंट्स आपने आई होप लिख लिए होंगे, और जिसमें मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड करी है. ठीक है, सो एनी क्वेरीज एनी क्वेरीज? So let's end the session over here. Have a nice time ahead.